नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सितारगंज तहसील दिवस पर विभिन्न विभागों के अफसरों ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। एसडीएम ने अधीनस्थ अधिकारियों से त्वरित समस्याओं का समाधान कराया। इस दौरान बिजली कनेक्शन, सड़क, नाली, पानी और प्रमाण पत्र निर्गत करने के आवेदन पंजीकृत किए गए। आपको बता दें कि महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। एसडीएम रविंदर कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों ने तहसील दिवस के अवसर पर स्टॉल लगाए थे, जिनमें राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग आदि मौजूद रहे। इस दौरान करीब 15 फरियादियों की समस्याएं पंजीकृत की गई। एसडीएम रविंदर कुमार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवेदकों की समस्या का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार पूजा शर्मा, नायब तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी समेत अन्य मौजूद रहे। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। सितारगंज में जो है तहसील दिवस का आयोजन कराया गया है। इसमें जो है हमें विभिन्न विभागों की लगभग 33 शिकायतें जो हैं प्राप्त हुई है, जिसमें से अधिकतर का तो मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जिसमें जिले लेवल से या शासन स्तर से भी कुछ कार्रवाई अपेक्षित है, तो वो जो है हमने आगे भिजवा दीजिए। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी उनका भी निस्तारण हो जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।